अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एरा। टेक्नोलॉजी एरा के प्लेटफॉर्म से जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं ऑनलाइन अर्निंग मेथड के हवाले से वीडियोस, तो इसी तरीके से आज मैं आपके लिए एक न्यू ऑनलाइन अर्निंग मेथड के हवाले से वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने ब्लॉगर के लिए, अपने अपनी वेबसाइट के लिए, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है, ब्लॉगर पर है, वर्डप्रेस पर है, विक्स पर है, तो किस तरीके से आपने उसके लिए ट्रैफिक जो है वो फ्री ट्रैफिक जो है आपने हाई क्वालिटी ट्रैफिक आपने जनरेट करना है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में आपने टाइप करना है, ब्राउज़र सर्च बार में आपने आके टाइप करना है ऑर्गेनिक हिट्स, ये आपने जो है वो टाइप करना है और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब आपके सामने ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट जो है वो लिंक आ चुका है ऑर्गेनिक हिट्स का। आपने जो है इसको ओपन कर लेना है। ओपन लिंक इन न्यू टैब, सेकंड टैब में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और अगेन मैं फिर अब आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। अच्छा, ये ऑर्गेनिक हिट्स डॉट को है, ये ट्रैफिक एक्सचेंज वेबसाइट है बेसिकली। ऑर्गेनिक हिट्स, जैसे कि इसका नाम ही ऑर्गेनिक हिट्स है, तो ये बेसिकली ट्रैफिक एक्सचेंज जो है वो वेबसाइट है और ये आपको फ्रीली हाई क्वालिटी ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। अगर आप इनिशियली बेसिस पे अगर आपने ब्लॉगर ज्वाइन किया है और आप बिगनर हैं, तो बिगनर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं। उनको पता है कि किस तरीके से उनको अपना जो है वो कीवर्ड पे अपनी अपना कंटेंट रैंक करना है, किस तरह से अपना इंगेजिंग कंटेंट उन्होंने बनाना है, किस तरीके से उसकी SEO करनी है और किन किन प्लेटफॉर्म्स पे उसको प्रमोट करना है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और इंक्लूडिंग डिफरेंट वेबसाइट्स। तो लेकिन ये जो है बिगनर्स के लिए है कि अगर आपने अपना कोई अपनी कोई ब्लॉगर वेबसाइट बनाई है, अपनी कोई वर्डप्रेस पे अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, विक्स पे बनाई है, या आपने जो है वो ब्लॉगर पे बनाई है, अगेन मैं कह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको इनिशियली जब आप बिल्कुल न्यू होते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो पुशअप चाहिए होता है, आपको थोड़ा कोई पुश करने वाला चाहिए होता है कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका जो है वो बहाल हो और आपको स्प्रिट मिले और फिर आप जो है अपनी वर्किंग को और अच्छे से कर सकें। एनीवेज, तो ये ऑर्गेनिक हिट्स है, इसको आप देख लें, ये जो है वो हाई क्वालिटी ट्रैफिक जो है ये प्रोवाइड करती है। द सिंपलेस्ट वे टू एक्सचेंज ट्रैफिक और बाय इट एट अ वेरी लो कॉस्ट, इंक्रीजिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक एंड बूस्टिंग SEO रैंकिंग्स, जैसा कि ये लोग लिखते हैं अपने बारे में, क्लेम करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक हिट्स, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इस पर आएँ, इसको ज्वाइन करें। और अगर आप बिगनर हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो इससे अपना ट्रैफिक जो है वो जनरेट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये देखें, जैसा कि अपने बारे में क्लेम कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी वेब ट्रैफिक, द बेस्ट वे टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, इंक्रीज योर रैंकिंग यूजिंग द मोस्ट ट्रस्टेड ऑटो सर्फ ट्रैफिक एक्सचेंज सर्विस ऑन द प्लैनेट। और OrganicHits.co is a free traffic exchange service where participants can exchange traffic with other website owners. Quick registration and instant validation of your websites. तो आप इसमें जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फौरी हो जाती है और आप इसको फौरी अपनी वेबसाइट को यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं ट्रैफिक लेने के लिए। तो ये जैसा कि अपने बारे में लिख रहे हैं कि 150 सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, ये 150 कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। 25 के ट्रैफिक पर आर, यानी कि 25,000 ट्रैफिक आपको पर आर एक घंटे में ये प्रोवाइड करते हैं। 5 बिलियन लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन्स एंड 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर पोटेंशियल, इस वेबसाइट के ऊपर पोटेंशियल है। अच्छा, अगेन मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा आपको इसको चेक भी करवा देता हूँ, जिसके लिए हम टाइप करेंगे वेब सिमिलर में मैं आपको उसको इसकी जो है मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये जो अपने बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि इसके ऊपर देख सकते हैं कि मंथली कितना, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है वो 150 कंट्रीज़ को तो ये सपोर्ट कर रहे हैं और 25 के पर ट्रैफिक पर आर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि लार्जेस्ट 5 बिलियन ट्रांजेक्शन्स एंड 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम इसको वेब सिमिलर मैंने यहाँ पे टाइप किया, इसका फर्स्ट लिंक आ गया, इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँगा, न्यू टैब में जाऊँगा और वेब सिमिलर में इसको जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था यहाँ से ऑर्गेनिक हिट्स का, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और सर्च कर दूँगा। तब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं ऑर्गेनिक हिट्स के। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक हिट्स आ गई है, आप देख सकते हैं ग्लोबल रैंकिंग में जो है ये
आप इसकी चेक कर सकते हैं कि इसका क्या फ़िगर है, कंट्री रैंक में इसका क्या फ़िगर है, ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। और कैटेगरी रैंक इसका 53 है, तो नॉट बैड, 53 भी इसका अगर कैटेगरी रैंक है तो नॉट बैड। टोटल टोटल विजिट्स जो हैं इसके 104.3 के हैं, जो कि कम है लेकिन नॉट बैड। और बाउंस रेट आप इसका चेक कर सकते हैं, 9.73% है, और पेज पर विजिट इसका 6.49 है, और इसकी एवरेज विजिट ड्यूरेशन जो है वो 14 आप देख सकते हैं, 14 मिनट 16 सेकेंड्स है। और इसको अगेन थोड़ा सा और डीप चेक करते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं अगस्त पर थी ये जो थी 110 रैंक पे थी, यानी कि इसने प्रमोट किया अपने आप को, इंक्रीज़ किया है। अगस्त में आप ये देख सकते हैं, ये जुलाई है, ये अगस्त है, अगस्त में ये 110 पे थी ये जो रैंक कर रही थी वेबसाइट, अब ये 53 पर रैंक कर रही है, तो नॉट बैड, और इम्प्रूव कर रही है। गूगल ऐसे तो किसी को रैंक मतलब करने देता नहीं है, और अब ये 53 पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है, यानी कि इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, इन्होंने एफर्ट्स पुट किए हैं, तो इसलिए जो है ये रैंक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो है वो टोटल विजिट सितंबर में सितंबर 2023 ऑर्गेनिक हिट्स 104.3K, यानी कि इन्होंने इंक्रीज़ किया 59.2K, और इनका जो है वो कस्टम हिट्स .net 36.2K, यानी कि इन्होंने जो है वो इंक्रीज़ किया। आप देख सकते हैं दूसरी भी यहाँ पे जो है वो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि gethit.com है, ठीक है, इसके अलावा trafficengine.com है, और इसके अलावा easyhitsforyou.com है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है जो सबसे ज़्यादा टॉप पर जो रैंक कर रही है, इन सारी के ये सारी की सारी बेसिकली ट्रैफिक एक्सचेंज वेबसाइट्स हैं, और इनमें सबसे नंबर वन पे जो टॉप कर रही है जो रैंक कर रही है सॉरी जो टॉप पर है वो ऑर्गेनिक हिट्स ही है, जिसका मैं आपको दिखा रहा था। तो ये तो था ऑर्गेनिक हिट्स का जो है वो परफॉर्मेंस रिव्यू, उसका रैंक रिव्यू, और जो है वो उसका डीप रिव्यू, उसके एनालिटिक्स कि किस तरीके से जो है ये वेबसाइट इसने कितना जो अपने बारे में लिखा है तो ये बात सही भी है कि नहीं। लास्ट मंथ चेंज आप देख सकते हैं इसका 130.9% है, बाउंस रेट इसका 9.73% है, अगेन वही चीज़ आ जाती है, और अगेन आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कनेक्ट योर गूगल एनालिटिक्स, आप इसको जो है गूगल एनालिटिक्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि लिख रहे हैं organichits.co ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट एनालिसिस, तो ये एनालिसिस हैं सारे टोटल विजिट लास्ट 3 मंथ्स के इसके, और क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो इसलिए मैं इसको इतना डीप आपको जो है वो जाऊंगा नहीं, जो ज़रूरी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इन्होंने जो है वो जियो टारगेटिंग खोली हुई है, जियोग्राफी एंड कंट्री टारगेटिंग, विच कंट्रीज सेंड द मोस्ट ट्रैफिक, अच्छा ये भी आप देख सकते हैं कि विच कंट्री के सेंड द मोस्ट ट्रैफिक टू ऑर्गेनिक हिट लेटली, वेयर इज़ देयर कोर ऑडियंस फ्रॉम, लास्ट मंथ टर्की वॉज द टॉप कंट्री सेंडिंग डेस्कटॉप ट्रैफिक टू ऑर्गेनिक हिट डॉट को, क्लिक बिलो टू डिस्कवर ऑल कंट्रीज। तो लास्ट मंथ जो था वो टर्की ने सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनिक हिट को दिया है, तकरीबन 598.6% ऑल कंट्रीज में से, और मैक्सिको से 0.72%, नॉट बैड, और आप देख सकते हैं पाकिस्तान से 1.2%, और बांग्लादेश से इसी तरीके से आप देख सकते हैं 1.33%, और इसके अलावा आप देख सकते हैं एस्टोनिया से 37.72%। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो टर्की से, और टर्की भी आपको पता है कि टर्की जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो नॉट बैड, टर्की भी एक हाई CPM कंट्री है और मैक्सिको भी एक हाई CPM कंट्री है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा हाई ट्रैफिक जो है वो इनको मिला है, और अगेन टॉप कंट्रीज इसने यहाँ पे भी जो है वो लिस्ट कर दिए हैं, यहाँ पे भी शो कर दिए हैं कि टर्की से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एस्टोनिया है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद मैक्सिको है, उसके बाद फिर अदर्स मिक्स कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान का लो है लेकिन बांग्लादेश का सबसे अच्छा है, थर्ड पे एस्टोनिया, लेकिन खैर हम इसको इतना डीपली देखेंगे नहीं, हमें जो है वो हाई क्वालिटी ट्रैफिक से जो है वो मतलब है। तो एनीवेज अब मैंने आपको इसको सिमिलर वेब में भी चेक करा दिया, डीपली चेक करा दिया, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो ये ऑर्गेनिक हिट है, अब मैं जल्दी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी
मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। ये लॉगिन का आप ऑप्शन देख रहे हैं, मैं अब आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ कि आपको इस पर वर्क किस तरीके से करना है। यहाँ से मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया, ऊपर मेरा नाम आ गया। आप देख सकते हैं मैंने इसको अपनी जिस थर्ड जीमेल से लॉगिन किया हुआ है बेसिकली, ये आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आपने जो है वो इस पर अर्निंग्स लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो है वो मैंने यहाँ से पॉइंट्स, मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने पॉइंट्स अन किए थे, ये बेसिकली भी माइनस में चले गए। और मैं इसके ऊपर काम करता रहता हूँ और मुझे, और मैं यहाँ से फ्री हिट्स लेता रहता हूँ। मंथली मैंने जो है यहाँ से 1.55K फ्री हिट्स ली हैं। और मंथली अर्निंग, हाँ मैं आपको ये दिखा रहा था, 668 मेरे मैंने पॉइंट्स अर्न किए हैं। बेसिकली इसमें होता ही है कि आप पॉइंट्स अर्न करते हैं और आप जो है वो साथ ही साथ यहाँ से जो है वो फ्री हिट्स लेते रहते हैं। तो पॉइंट्स अर्न करने का मैं सिंपली आपको बता दूं, ये बेसिकली फ्री है, ठीक है। और इसमें एक ही स्लॉट मुझे मिला है, मैं इसमें एक वेबसाइट ऐड कर सका हूँ अपनी। और मैं डिफरेंट इसमें रोज़ाना आप चेंज करते रहें, अगर आपकी दो तीन ब्लॉगर बने हुए तो आप चेंज करते रहें। और सिंपली आपने, मैं आपको बता देता हूँ कि ये डैशबोर्ड है, ये वेबसाइट है। वेबसाइट पहले तो मैं आपको ऐड करना बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ऐड करेंगे। ये ऐड न्यू वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी मेरी एक वेबसाइट ऐड हुई हुई है, ये ऐड न्यू वेबसाइट है। इस पर आप टैप करेंगे, यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे। अच्छा, ये और थोड़ी सी सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। ये वेब एड्रेस है, यहाँ पे सिंपली आपका यूआरएल आ जाएगा, कोई भी अगर आप यूआरएल पेस्ट करना चाहें। ये ऑलरेडी मैं यूआरएल जो है वो पेस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप अपने पेज का यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जो है वो होम पेज का ही आप यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करें। आप यहाँ पे अपना जो है वो आप अपनी पोस्ट का यूआरएल भी यहाँ पे, सॉरी, पेस्ट कर सकते हैं सिंपली। और कुछ सेटिंग्स इनकी डिफ़ॉल्ट होती हैं, उसको रहने दीजिएगा। से विजिट ड्यूरेशन है, इसको आप 30 पे ही रखें एस्टिमेटेड। इस पर आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और मैक्सिमम हिट्स पर आवर, अब इन्होंने यहाँ पे, मैं अगेन आपको दिखाऊं कि थोड़ा सा इसको अगेन मैं आपको खोल के दिखाऊं कि इन्होंने पर आवर पे जो क्लेम किया हुआ था अपने बारे में, ये आपको 25K ट्रैफिक पर आवर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप 5000 तक इसको कर सकते हैं मैक्सिमम हिट्स पर आवर, क्योंकि इसका क्वालिटी का इशू होता है ट्रैफिक का, फिर वो बाउंस रेट बढ़ जाता है और हिट्स नहीं आती और फिर वो रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसलिए आपने इसको जो है यहाँ पे 100 to 2000 ही की रेंज में रखना है। और मैं तो इसको जो है वो 1000 भी कर देता हूँ, मैं इसको 1000 भी कर देता हूँ और जो है 1000 से कम भी कर देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको 1000 से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने जो है इसको 1000 से 2000 की रेंज में ही, सॉरी 300 से आपने इसको जो है 100 से आपने इसको, अगेन जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 से आपने इसको 2000 की रेंज में ही आपने इसको रखना है, बस इससे ज़्यादा मत जाइएगा। आप 2000 की रेंज में रखें, इन्होंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है, तो आपने जो है वो इसको 2000 की रेंज में ही आपने इसको रखना है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, ऐसे लिखा हुआ है लिमिट टोटल हिट्स, इसको आपने अनलिमिटेड ही रहने देना है, इसको आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बाय द वे ये इन्होंने लॉक किए हुए फंक्शंस। और यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, वैसे आप इसको लिमिटेड कर सकते हैं, और लिमिटेड करके आप यहाँ पे जो है वो लिमिट टोटल हिट्स, यहाँ पे आप लिमिट भी लगा सकते हैं। तो आप इसको अनलिमिटेड रहने दें, और नहीं तो आप इसको यहाँ से आप कस्टम, आप यहाँ पे इसको लिमिट भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे जहाँ से ये हुआ हुआ है 10,000, तो ये 10,000 की इन्होंने लिमिटेड है, तो यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। मैं इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ट्रैफिक लेंगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे। और ये इन्होंने फंक्शन सारे के सारे लॉक किए हुए, यूज़र एजेंट और ट्रैफिक सोर्स और जियो टारगेटिंग, ये इन्होंने सारी सारी चीज़ें जो है वो लॉक करी हुई। यहाँ पे आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और यहाँ से आप ऐड अ वेबसाइट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है, आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि आपको वेबसाइट जो है वो ऑर्गेनिक हिट में किस तरीके से ऐड करनी है। अच्छा, बारी आती है कि मैं आपको उसका बता देता हूँ कि आपने इसको जो है वो, अब स्टेप आता है, मैं आपको इसका गेन एक स्टेप बता देता हूँ कि आपने यहाँ से कॉइन्स किस तरीके से अर्न करना है। आप यहाँ पे जाएंगे ट्रैफिक एक्सचेंजर पे आप जाएंगे। सबसे पहले तो आपको उसका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये विंडोज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स, तो वर्जन सब सब में सिमिलर ही है, लेकिन बस विंडोज़ के लिए अलग है, क्योंकि फाइल्स का कुछ फाइल्स डिफरेंट होती हैं जो कि रन नहीं करती।
आपके पास अगर विंडोज़ है तो आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, और 100% सिक्योर सॉफ्टवेयर है ये, 100% सिक्योर सॉफ्टवेयर। आपने इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड का बटन प्रेस करना है, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल में आप जाएंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट करके आप उसको रन करें, सिंपली वो रन हो जाता है। और यहाँ से जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जब आप रन पे जाएंगे सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ से आपको ये की प्रोवाइड करेगा। इस की को आपने कॉपी करना है, उस सॉफ्टवेयर में आपने पेस्ट करना है और सिंपली उसको आपने रन कर देना है, और आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आप यहाँ से पॉइंट्स भी लेते रहें और अपनी साथ और सेम टाइम में अपनी वेबसाइट जो है, यहाँ से आप पहले ट्रैफिक एक्सचेंज पे जाएं, उसको ऐड करें, सॉरी ट्रैफिक एक्सचेंज पे जाएं, सॉफ्टवेयर अपना जो है वो मैंने आपको दिखाया था, सो आप अपना जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद, ये मैंने आपको दिखाया था, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद जो है फिर आप यहाँ से जो है आप ट्रैफिक भी अपनी आप जो है वो इजीली आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करें, वेबसाइट्स में जाएं, वेबसाइट ऐड करें, और वेबसाइट ऐड करने के बाद अपनी इजीली अपनी यहाँ से ट्रैफिक जो है वो ले सकते हैं। अभी सारा रुका हुआ है, मैं आपको कल की रिपोर्ट अपनी दिखा देता हूँ कि कल मैंने यहाँ से जो मुझे मिली थी 54 हिट्स जो मुझे मिली थी कल, क्योंकि कल मैंने इस पर ज़्यादा काम किया नहीं। मंडे को हाँ मेरी ज़्यादा हिट्स थी, मंडे को मेरी 485 हिट्स थी, और संडे को भी मेरी इस पर कुछ जो है वो हिट्स जनरेट नहीं हुई है। वो के मैंने इस पर मंडे और ट्यूसडे, यानी कि मैंने कल और परसों और कल मैंने इस पर काम किया था 2 दिन, और अब मैं आज फिर अगेन इस पर जो है वो वर्क स्टार्ट करूँगा। अच्छा, जो वेबसाइट आपको, अच्छा इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको, अगर आपको सपोज़ ये वेबसाइट आपको डिलीट करनी है, यानी कि आपको सपोज़ आपने इस वेबसाइट पर अपने ये मेरा जो है वो ब्लॉग आप देख सकते हैं कि ब्लॉग स्पॉट पर है मेरी, ये ब्लॉग स्पॉट पर है मेरी, सॉरी marketsolution1blogspot.com। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर नहीं, अब मैं अपनी दूसरी ब्लॉग स्पॉट पर काम करूँ, तो मैं अपनी सिंपली यहाँ से जाके इसको डिलीट करूँगा और सिंपली दूसरी वेबसाइट जो है वो अपनी ऐड कर लूँगा। तो बहुत सिंपल है, मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ से आप जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट ऐड करें और इससे ट्रैफिक लेना शुरू करें। डैशबोर्ड पे आपको ये सारी की सारी जो है वो रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। डैशबोर्ड पर आके आप यहाँ से सारी की सारी कंट्रीज़ भी देख सकते हैं कि किन कंट्रीज़ से आपको जो है वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, आपकी ब्लॉग पोस्ट पर आ रहा है, या आपकी जो भी वेबसाइट है उस पर आपको आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हिट्स रिसीव जो है मुझे टोटल 1553, एंड पॉइंट्स एंड जो मैंने इससे किए हैं वो 668 की ना, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पॉइंट्स अन करें और उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ से ये मतलब 1555 के जो है मैंने यहाँ से हिट्स मैंने मुझे रिसीव हुई हैं। तो ये है टोटल रिव्यू जो है वो ऑर्गेनिक हिट्स का। आई होप गाइस कि आपको आज की इस वीडियो में जो ऑर्गेनिक हिट्स का रिव्यू है, मैंने आपको सिमिलर वेब में भी आपको इसको इसके जो एनालिटिक्स आपको चेक करवाएं डीपली कि किस तरीके से आया कि ये लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है भी कि नहीं, तो ये लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है, वरना ये 53 पे ये वेबसाइट रैंक नहीं कर रही होती। तो आई होप गाइस कि आपको आज का ये ऑनलाइन अर्निंग मेथड के हवाले से ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी होगी। तो लाइक करना, थम्सअप देना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।